करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स में जो वारंट ऑफिसर होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है। वारंट ऑफिसर बनने में लगभग 20 से 22 साल लग जाते हैं इंडियन एयरफोर्स में, बेस्ट केस में 18 साल में भी या 19 साल में भी बंदा बन सकता है, लेकिन जनरली 22 साल 20 साल लग जाते हैं वारंट ऑफिसर बनने में। तो वारंट ऑफिसर पूरा जो ये है ये वैकेंसी डिपेंडेंट होती है ये पोजीशन। अगर वैकेंसी मिल गई तो आप बन जाओगे, लेकिन टेक्निकल काडर में जनरली बंदे बन जाते हैं। तो टेक्निकल काडर में मैं आपको कितनी सैलरी मिलेगी ये बताऊंगा। तो वारंट ऑफिसर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्लैब है, सैलरी स्लैब है, उसमें लेवल 7 पे रखा गया है, जहाँ पर उसको 44,900 का बेसिक पे मिलता है। इस पे आपका MSP मिलिट्री सर्विस पे जुड़ेगा, और मान के चलते हैं आप Y क्लास ऑफ सिटी में पोस्टेड हो, X क्लास में नहीं हो, Y क्लास ऑफ सिटी में पोस्टेड हो। तो अगर मैं इन तीनों को कैलकुलेट करूं कि आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 मिल रहा है Y क्लास ऑफ सिटी के हिसाब से, तो आपका लगभग इसमें पूरा 53,600 तो ऐसे ही हो गया पैसा, 53,600 के आसपास आपको ऐसे ही पैसा मिल गया। इसके बाद मान के चलते हैं आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला हुआ है, तो HRA का पैसा नहीं कैलकुलेट करते हैं। अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं मिला होता तो HRA का भी पैसा कैलकुलेट कर लेते। फिर इस पे हम DA कैलकुलेट करेंगे। DA का रेट अभी करंट चल रहा है 31%, तो 31% बेसिक पे मैं DA कैलकुलेट करूँगा तो ये लगभग 15,000 के आसपास इसमें आपको DA मिलने लगेगा, 15,500-15,000। तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये करीबन 68,600 के आसपास तो पैसा ऐसे ही हो गया। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, 68,600 तो मिनिमम आपको पैसा ऐसे मिल ही रहा है जब मैं इसमें कोई अलाउंसेज नहीं जोड़ रहा, 68,600। अब इसके बाद आप ग्रुप एक्स के हो, मैं कौन सा डिस्कस कर रहा हूँ, टेक्निकल काडर। टेक्निकल काडर में 6200 प्लस DA उस पर अलग मिलेगा, तो लगभग 7,000 रुपये आपके और बन गए। तो ये 75,000 तो ऐसे ही हो गया, 75,600 तो आपका लगभग ऐसे ही हो गया। अब इसके बाद ऊपर अलाउंसेस, हो सकता है आपको CPMA का पैसा मिलेगा, लर्निंग रिसोर्स का कुछ पैसा आपका अरियर बाकी है वो आएगा, डेप्यूटेशन का आप डेप्यूटेड हो कहीं तो उसका पैसा, हार्ड एरिया का अलग पैसा, क्वालिफिकेशन का पैसा अलग, गुड कंडक्ट बैच का पैसा अलग, एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट से आपके पास आप वारंट ऑफिसर हो तो उसका पैसा अलग, और छोटे मोटे अलाउंसेज ये सब मिला के कुछ 3,000 से 4,000-5,000 अगर कुछ पैसा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है। तो जनरली ये डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस में कि आपको कौन से अलाउंसेज मिलेंगे, हर बंदे का अलग है। कोई वारंट ऑफिसर अगर चंडीगढ़ में पोस्टेड है तो उसको क्या मिलेगा वो अलग है, वहीं कोई वारंट ऑफिसर अगर जामनगर में पोस्टेड है उसको क्या मिलेगा वो अलग है। तो केस टू केस एरिया वाइज चीज़ें डिपेंड करती हैं, ट्रेड वाइज डिपेंड करती है, लेकिन मिनिमम टेक्निकल काडर में, एक्स ग्रुप काडर में 75,000 ये आ गया। अब इसमें अगर मैं डिडक्शंस मान लेता हूँ, कुछ लगभग 7,000 के आसपास डिडक्शंस हो रहे हैं। क्या क्या डिडक्शंस हो रहे हैं कि आपका एयरफोर्स प्रोविडेंट फंड का पैसा आपने 5,000 कटाया हुआ है कि प्रोविडेंट फंड का पैसा कटाता हूँ बाद में मेरे को काम आएगा रिटायरमेंट के बाद। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का पैसा आपका 2,500 रुपये कट रहा है एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का, तो मिनिमम 2,300 कटता ही है तो आपका ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा। फिर इनकम टैक्स का आपका कुछ पैसा 2,000 से 3,000, 3,000 से 4,000 इनकम टैक्स का पैसा कट रहा है, कोई बेनिवलेंट एसोसिएशन या लोन वगैरह या ई टिकटिंग का छोटा मोटा डिडक्शन और हो सकता है। तो मान के चलता हूँ मैं 10,000 से 12,000 आपके डिडक्शंस हो रहे हैं और 9,000 से 10,000 आपको कुछ अलाउंसेज मिल रहे हैं जो मैंने इधर कैटर नहीं करे हैं। तो इन सबको जोड़ के कट पार्ट के अगर मैं देखूँ तो मिनिमम एक वारंट ऑफिसर को 2022 में रफली इन हैंड 74,000 सैलरी तो बनती ही बनती हैं, अरियर्स को मिला के। कुछ मिसेलिनियस पैसा पहले का आना है, कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, वो सब कट फिट करके 74,000 रुपीज़ इन हैंड आपको वारंट ऑफिसर को मिलता ही मिलता है 2022 में टेक्निकल काडर में। अगर आप टेक्निकल काडर में हो तो अच्छे केस में, ये तो मैंने मिनिमम केस में बताया कि वर्स्ट केस में आपको इतना मिलेगा, अच्छे केस में नॉर्मल केस में लगभग आपको 76,000 से 77,000 मिलता है
टेक्निकल कार्डर में, और अगर आप नॉन टेक्निकल कार्डर में हो यानी वाई ग्रुप में हो तो भी आपको लगभग 72 से 73,000 तक तो मिलता ही मिलता है। 72 से 73,000 कुछ एरियर्स एडजस्टमेंट, या आप इसको 70 से 71,000 मान के चलो, तो या 69 से 70 मान के चलो, आपको जो सही लग रहा है। बट इतना पैसा 69,000 नॉन टेक्निकल वाले को 70,000 तक मिलता ही मिलता है वारंट ऑफिसर को। तो आई होप यह वीडियो से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आप अपना फ्यूचर जिस हिसाब से देखना चाह रहे हो आप देख सकते हो, और आपको एक सैलरी का अजम्पशन मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई सजेशन है कमेंट करके बताना, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।